वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो है मैं आपके लिए एक ऐसा ऑयल आपसे शेयर करूंगी जो बहुत ज्यादा मैजिकल ऑयल होगा। कल भी मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जो भीमराज से हमने बनाई थी, हमारे बालों को रिग्रो हेयर को 100% आपका ब्लैक करेगी, प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम जो है आपकी रिमूव आउट करेगी। तो आज भी ऐसे ही एक वीडियो मैजिकल हेयर ऑयल मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा जरूर। और मेरे चैनल पर जो है गिव अवे चल रहा है, जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। और ये गिव अवे जो है मैं अनाउंस करूंगी, मैं किसी भी दिन जो है ये अनाउंस कर सकती हूँ कौन विनर है, और 10 विनर मैं चूज करूंगी। तो गाइज जल्दी से अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मैं वीडियो का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थोड़ी सी उसकी जो है कंडीशन है, आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना है और आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर कराने हैं, और अपना नाम जो है मेंशन किसी भी वीडियो में आप दे दीजिए। सारे कमेंट्स जो है मेरे पास मिल जाते हैं मुझे, तो मैं आपका जो है आप ज्यादा से ज्यादा कराएंगे तो मैं नोट डाउन कर लूंगी, तो वही विनर मैं चूज करूंगी। तो गाइज अगर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है ना लाइक करने का लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से शेयर किया करें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते देखेगा। यही वो चीज है जो हमारे बालों को नेचुरल से काला बनाएगी, हमारे बालों को काला घना चमकदार करेगी। तो चलिएगा देखते हैं ये हमने कैसे रेडी किया है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है कच्चे आंवले। ये देखिएगा इस तरीके से अब आंवले शुरू हो गए आने, विंटर्स आना लगा है तो आंवले भी आने लगे हैं। इस तरीके से जो लेने हैं आपको, इस तरीके से आंवले लेने हैं। अगर आप पे ये नहीं है तो आप ड्राई आंवला ले सकते हैं, लेकिन पाउडर आपको बिल्कुल नहीं डालना है, यही डालना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते रिग्रो हेयर आपका ब्लैक बने अच्छा हो तो आपको ये वाला आंवला या ड्राई आंवला, दोनों में से एक ऑप्शन आप ले लीजिए। तो चलिएगा, मैंने यहाँ पे जो है दो आंवले लिए हैं इस तरीके से। और अब जो हमें सेकंड इंग्रेडिएंट डालना होगा, देखिएगा जो मैंने सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे लिया है, ये देखिएगा ये है भीमराज और इसे जो है भृंगराज भी बोलते हैं। ये जड़ी बूटी जो है हमारे बालों को रिग्रो हेयर को ब्लैक करती है। मैंने कल भी एक वीडियो आपसे शेयर किया था, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और काफ़ी लोगों के कमेंट से ही जो है मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैम रिग्रो हेयर हमारा ब्लैक हमें चाहिए, हमारा जो बाल है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो गई वो सारी रिमूव आउट हो जाए, उसके लिए आप शेयर कीजिए। तो उसी पर ही मैं अब आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिएगा इस तरीके से हमने जो ली है भृंगराज ली है और ये ऑयल हम तैयार करने वाले हैं। तो चलिए आयरन, और इस आयरन को बिल्कुल भी आपको नहीं छुटाना है, ऐसे ही ऑयल बनाना है जैसे मैं बता रही हूँ। और देखिएगा यहाँ मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, पैराशूट का ले रही हूँ, और आपको भी जो है पैराशूट का ही लेना है क्योंकि अभी समर्स हैं, गर्मियाँ हैं तो आपको पैराशूट लेना है। जब विंटर्स आ जाएंगे तो आप सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल या फिर आप तिल का तेल ले सकते हैं, इन दोनों में से एक तेल आप चूज कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। और अभी जैसे कि समर्स है, गर्मियां हैं, तो आप यही वाला ऑयल इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको जितना बनाना हो ये आप बना के नहीं रख सकते, ये आपको मतलब आज ही लगाना है और आज ही ख़त्म कर देना, इस तरीके से बनाना है। और जब आपको बनाना हो तभी आप इसे बनाइएगा। तो देखिएगा जैसे कि ये मैंने ले लिया है और मैं इतना लूँगी कि मैं जितना लगा लूँ उतना ही लूँ, इस तरीके से इतना बहुत है, बस मैं इतना ही ऑयल अपने बालों की जड़ों में लगाया जाता है गाइस, बालों में नहीं लगाया जाता, आप जड़ों में लगाइए फिर देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आपको जड़ों से मिलेगा, क्योंकि जड़ों से ही हमारा बाल जो है रिग्रो होता है, आता है नया बाल। तो आपको भी जो है इसी हिसाब से लेना है। तो ये जो आंवला आपने देखे थे इनके पीस कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने जो है गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। ये देखिएगा ये आंवले के पीस मैंने काट लिए हैं, इस तरीके से डाल लिए हैं। और अब जो देखिएगा ये हमने भीमराज दिखाया था आपको यानी कि भृंगराज, आपको पाउडर नहीं डालना है, भृंगराज का भी आपको जो है ड्राई फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से मैंने लिया है इस तरीके से आप जो है इसकी क्वांटिटी इस तरीके से इतनी ले लीजिए। और अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम ऑन, और अगर आपको ऑयल कम लगता है तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, तो चलेगा गैस का फ्लेम मैं करती हूँ अभी ऑन। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ऑयल की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ा दी, और क्योंकि मुझे थोड़ा ऑयल कम लग रहा था, वो आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जिस तरीके से सामान बताया वही आपको सामान डालना। एक थर्ड इंग्रेडिएंट और हमें इसमें डालना होगा, वो है कलौंजी। और कलौंजी हमारे गंजे आपके अगर मतलब बाल भी झड़ रहे हो, गंजे सिर पे भी बालों को उगा देती है, ऐसी ये भीमराज अगर आपके गंजेपन की समस्या हो, आपके बाल नहीं आ रहे हो तो उसको उगा देता है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट और हम इसमें ऐड करेंगे, देखिएगा ये है कलौंजी पाउडर। और इस तरीके से आप घर की पीसी भी लीजिएगा, मार्केट का पाउडर नहीं लेना है। और देखिएगा ये है रतनजोत पाउडर, और ये आपको अगर रतनजोत साबुत मिल जाती है आप डाल लीजिए, मुझे थोड़ा मिली नहीं थी तो मैं यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आप पाउडर मत कीजिए गाइज, अपने घर में ही आप पीस सकती हैं।
और आप जो है खड़ा ही डालिए सब सामान, तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल आपको होगा, आपका हेयर जो है नेचुरल से ब्लैक होगा। तो इस तरीके से देखिएगा, अभी जो है गैस का फ्लेम सेम पे ही है, मतलब कम पे है, और आपको इस तरीके से जो है एक चम्मच के करीब इस तरीके से, ये देखिएगा मैंने टी टेबल स्पून ली है, कलौंजी डाल देनी है, और जो हमें डालना है ये देखिएगा, ये सिर्फ हाफ टेबल स्पून डालना है, इस तरीके से रतन जो डालना है, और गैस का फ्लेम सिम रखना है और चला देना है आपको सामान धीरे धीरे। ये अपना जो कलर है इस ऑयल के अंदर आ जाना चाहिए, इस तरीके से आपको इतना पकाना है इसे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि गैस पे आप ना पकाएं, तो आप इसे जो है 7 दिन तक खड़ी, मतलब तेज धूप में आपको इसे कांच के कंटेनर में भरकर आप रख दीजिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हमें जो है, मैं हाथों हाथ ही लगाऊंगी अपने, जिस तरीके से मैं बता रही थी आपको, बेनिफिशियल देखिएगा वो होता है जो हम बनाकर ना रखे, जितना हमको लगाना हो उसी हिसाब से आप जो है हल्का गर्म ऑयल आप अपने हेयर में लगाइए। उससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, हमारे जो रिग्रो हेयर है वो ब्लैक बनेंगे। इस तरीके से आप जो है इसे चलाते जाइएगा ताकि अच्छे से ये पक सके चारों तरफा से। इस तरीके से 4 से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक आपको इसे सिम गैस पे ही पकाना है। सो ही देखेंगे आप जो है कलर भी चेंज हो जाएगा और ऑयल जो है हमारा बनकर भी रेडी हो जाएगा। बाल बहुत आपके काले घने आपके अच्छे हो जाएंगे, आपके हेयर जो टूटने की प्रॉब्लम है, झड़ने की प्रॉब्लम है, सारी आपकी जो दूर होगी। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप किसी भी एज के हो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये रतन। जो होता है हमारे आंखों की रोशनी बढ़ाता है, भीमराज जो होता है बालों का झड़ना हमारा बंद करता है, बालों को काला घना चमकदार बनाता है, और ये जो है सभी हब्स का राजा कहा गया है। इस तरीके से आपको जो है यही वाला भीमराज चाहिए होगा, यानी कि भृंगराज आपको यही चाहिए होगा, पाउडर नहीं चाहिए होगा अच्छे रिजल्ट के लिए। इस तरीके से आप जो है मिक्स करते जाइए। काफ़ी सारे कल भी कमेंट आए थे, मैम ऑयल बता दीजिए, आपने ऑयल नहीं बताया है, तो मैं आपसे आज जो है शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप जो है सिम गैस पे इसे पकाते रहिए, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे आंवला भी जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ही आपको चलाते रहना है, फिर आपको जो है इसे सेपरेट कर लेना है, यानी कि छान लेना है इस तरीके से। आपके पास टाइम नहीं है, आप जो है हर तीसरे चौथे दिन ऐसा नहीं कर सकते, काफी लोगों के पास जो होता है बहुत ज्यादा बिजी होते हैं वो लोग, और उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप इसे जो है बनाकर भी रख सकते हैं। ये आपका 15 दिन 1 महीना आराम से चल जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं होगा, मतलब पर बेनिफिशियल गाइस वही है जो आप हल्का जो है इसे गरम गरम लगाए, मतलब बिल्कुल हल्का सा आपको लेना है। जैसे अब मैंने बनाया और अब मैं अपने हेयर में लगा लूंगी इसे, इस तरीके का बेनिफिशियल होता है। आप जो है इसे दोबारा से गर्म ना करें, कभी आप सोचे कि मैंने आपसे कहा है कि ये गर्म ही अच्छा रहेगा, तो आप जो है धूप में रख सकते हैं, धूप में रख के अपने हेयर में आप लगा सकते हैं। अगर आप बनाकर इसे सेव करके रख रहे हैं 15 से 20 दिन के लिए, तो आप इस तरीके से जो है धूप में रखेगा इसे, बहुत अच्छा असर करेगा। देखेगा जितने भी हब्स डाले थे सारा ऑयल में इनका कलर आ गया, आप अच्छे से देख रहे हैं ऑयल का कलर इस तरीके से ही आपके बालों में आएगा। और ये देखिएगा ये जो है अब आप आंवला देख रहे हैं इस तरीके के हो गए हैं, इस तरीके से हमने डाले थे तो इस तरीके के हो गए हैं इस तरीके से। अब चलिएगा गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद, 10 मिनट्स पूरे हमारे हो चुके हैं, तो गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने बंद, और ये ऑयल भी अब हमारा जो है बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसे सेपरेट करके इस तरीके से कांच के बॉयल में निकाल लीजिए। आंवला भृंगराज का ऑयल जो है हमारा बनकर रेडी हुआ है, देखिएगा कितना प्यारा कलर आया है इसका, ऐसे ही आपके बालों में आएगा, बहुत डार्कनेस देगा आपके बालों को, थिकनेस देगा और बालों का झड़ना करेगा बंद, ये देखेगा इस तरीके से। और आपको जो है इसे वीक में आप जैसे 2 बार ऑयलिंग करते हैं, तो इसी ऑयल से अपना आपको बालों में ऑयलिंग करनी है। आप फिर देखेंगे 1 बार से ही 2 बार से ही आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, काले घने लंबे चमकदार आपके बाल इसी ऑयल से ही हो जाएंगे। गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हमने जितना सामान डाला है सब ओरिजिनल है, अपने घर का ही है, कि हाँ हमें पता है कि हमने इसमें क्या डाला है। पाउडर फॉर्म में कुछ मत लीजिएगा गाइस, अच्छा रिजल्ट चाहिए पाउडर फॉर्म में मत खरीदिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो आगे भी जरूर से शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।